हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स कार्ड। आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब जो फरवरी चल रही है और ऐसे टाइम में जो बुक सिलेक्शन है, बुक रिलेटेड जो है, बहुत सारे एक हैवॉक बच्चों के माइंड में बना रहता है और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो उस पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि उस सीक्रेट को आप अच्छी तरह से समझें, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए हमने एक टाइटल यूज़ किया है और उसको हम बिल्कुल पॉइंट वाइज हम समझेंगे कि उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं, क्या प्रॉब्लम रहती है और वो कैसे, अगर आप उसको एक्यूरेटली डिसाइड नहीं करेंगे स्टडी मटेरियल को, बुक्स को और मॉड्यूल्स को, तो वो आपको उल्टा प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट टू स्टूडेंट बहुत स्पेसिफिकली ये डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मटेरियल चूज करना है, राइट। अगर वो किसी दूसरे से कंपेयर करेगा तभी गलत जाएगा। सो हियर आई रिवील दिस पॉइंट, दिस इज आई एम सेइंग कि इट इज़ ए सीक्रेट। सीक्रेट इसलिए है क्योंकि ये बहुत पर्सन टू पर्सन जो है, फैकल्टी और एजुकेटर्स हैं वो भी आपको अलग इस तरह की राय दे सकते हैं कि ये खरीद लो, वैसा खरीद लो। तो स्टूडेंट पे ही सारे, क्योंकि बोझ तो सारा स्टूडेंट के ऊपर आता है, तो उसको बहुत ही चालाकी से और एक्यूरेटली उसको डिसाइड करना होता है कि हमें क्या लेना है, ठीक है ना गाइज। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ बुक्स मॉड्यूल्स स्टडी मटीरियल सिलेक्शन फॉर द IIT JEE प्रिपरेशन। और मैं आपको मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं IIT JEE की, वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम उस सीक्रेट को समझें, उस साइकोलॉजी को समझें कि जो हमें प्रॉब्लम कर सकती है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी जो है ट्रैप में फंस जाते हैं और बाद में जो है उनका मतलब ये होता है कि वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, उनके पास में टाइम की और सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही एक्यूरेटली जो है बुक सिलेक्शन करना होता है, ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी होती हैं। तो देखिए पॉइंट्स मैंने क्रिएट किए हैं, उन पॉइंट्स को आप समझिए वन बाय वन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। सो दिस इज द सीक्रेट फॉर द बुक सिलेक्शन, राइट, बुक सिलेक्शन फॉर द IIT JEE प्रिपरेशन। क्या होता है कि इट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट, मटीरियल शुड बी सिलेक्टेड, बहुत ही एक्यूरेटली मिनिमम मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए और वो चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। उसमें किसी दूसरे का जो गाइडेंस है वो कई बार ट्रबल दे सकता है, स्पेशली स्टूडेंट का। दूसरे स्टूडेंट ने दूसरी कोई बुक ली हुई है, आपने उसकी कॉपी करके सेम बुक अगर मटेरियल कंटेंट रख लिया अपने पास में या ज़रूरत से ज़्यादा रख लिया जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो भी आपको बहुत नुकसान देता है और वो आपकी पूरी IIT JEE की प्रिपरेशन में नुकसान करता है। सो टू बाय इज ईजी, टू बाय एनी कंटेंट, एनी टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल। बोलते हैं कि कोटा का मटेरियल खरीदना है ना, कोटा का स्टडी मटेरियल बेस्ट है। अगर आप खरीद लोगे तो ऐसा नहीं है कि खरीदने के बाद में जो है उसमें आप बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में उसको आपको तैयार भी करना होता है, आपके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। तो जितना आप ज़्यादा खरीदेंगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यू अंडरस्टैंड द गाइज, राइट। तो क्या होता है, टू बाय इज ईजी, टू सॉल्व ऑल द स्टफ, इट इज़ वेरी ईजी टू कलेक्ट ऑल द मटीरियल, राइट। बुक सारी कलेक्ट करना बहुत आसान है लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो डू नॉट कंपेयर विद द अदर्स, इस मामले में दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उस वो किसी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं और मान लीजिए उसने एक अच्छी बुक ली हुई है और वो सजेस्ट कर देता है कि ये बुक अच्छी है, ठीक है ना, तो ऐसा गलत हो जाएगा। आपका खुद का सिलेक्शन किस बेस पे होगा, आपने 10th तक तैयारी की है, आप जानते हैं, उस बुक को आप खुद अपनी आईज से, अपने दिमाग से उसको चेक कीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हुए हैं ये मुझे समझ आ रही है नहीं आ रही है बात, ठीक है। और फिर ओवरऑल एनालिसिस होता है, जो आपके मतलब जो टीचर्स हैं जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनका, उनसे आप इस बात को पहले एनालाइज कीजिए। जिस तरह से हम IIT JEE हम प्रिपेयर करेंगे, हमने कोर्स के लिए सोचा है, उसी तरह से बुक भी उतना ही कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डिसाइड करना कि हम किस, जो हमारा टूल है उसको लेके साथ चलेंगे, ठीक है ना गाइस। वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द बुक। सो ये मैंने कहा कि कंपेयर नहीं करना दूसरे बच्चे से या किसी और से, या किसी ने कह दिया तो आपने उठा के बोले चलो लाओ ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी खरीद लेते हैं, फिर देख लेते हैं जो अच्छा होगा तो पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो वो जब अलमारी में आपके पास में वो सारी बुक्स रख जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं पेनफुल हो जाता है, जब आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो हमें लगता है कि ये गलती हमारी है, हमने मतलब ये बुक ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है ना, फॉलो योर ओन रिक्वायरमेंट एंड लेवल, आप अपना खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जजमेंट लीजिए। ये एनालाइज करना बहुत ही स्मार्टली करना जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम बुक सेलेक्ट करनी है और उनको फिर पूरा 100% सॉल्व करना है। अगर आपने मान लीजिए खरीदने में सारी खरीद डाली है ना, जो भी कंटेंट आपके पास पैसे हैं कि आप खरीद सकते हैं, ठीक है, आपने बोला ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, ठीक है, तो वो सारा कंटेंट आपके उसमें आ जाएगा अलमारी में, लेकिन वो सॉल्व आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होता है अक्सर, अगर हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएँ तो हम सॉल्व भी नहीं करते उसको। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, डू नॉट कलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ ऑल टाइप इन द मार्केट। ये मैंने बोला ही आपको कि ऐसा नहीं है कि सारा बोले ये मटेरियल अवेलेबल है, इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो जाती है आज की डेट में, ठीक है, तो सब उठा के आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, वो डाउनलोडेड मटेरियल आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आप इसको बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली डिसाइड कीजिए, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है ना। गो फॉर योर ओन नीड्स ओनली, ये मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अपनी खाली अपनी आवश्यकता को ही ध्यान रख के उसमें कीजिए, कि बोले हमें कैसे मालूम चले कि हमारी नीड्स क्या है। सो नीड्स क्या है, जो आपका लेवल है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग लेवल पे तैयारी करता है, तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट लेवल पे हैं तो फर्स्ट टू सेकंड लेवल पे जाने के लिए और उसके ऊपर जाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी आप वैसी ही बुक लीजिए। आप ऐसी अगर बहुत ही मतलब अलग टाइप की बुक सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको ट्रबल करती रहेगी, वो प्रॉब्लम करती रहेगी, फिर आपको खुद लगेगा कि या तो मेरी मतलब मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं कहीं मुझ में गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, समटाइम्स सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग मटीरियल ऑल्सो हार्म्स यू, राइट, तो ये हमेशा ध्यान रखने का। डू नॉट फॉलो द फॉरेन ऑथर्स, जो फॉरेन ऑथर्स थे एस एल लोनी, हॉलेनाइट और दूसरी कई सारी जो बुक्स हुआ करती थी, ठीक है, पहले चलती थी और पहले रिकमेंड भी होती थी, लेकिन अब आई आई टी जेई का सिलेबस इतना प्रिसाइज हो गया, इतने अलग तरह से डिजाइन हो गया है कि उन बुक्स को खाली जो है स्टूडेंट्स के लिए तो एटलीस्ट प्रेफर नहीं करना चाहिए, वो स्टूडेंट को नहीं फॉलो करना चाहिए, वो कुछ फैकल्टीज़ को टीचर्स जरूर उसको फॉलो कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं कि उसमें जो है पूरा जो आईआईटी जेई का जो सिलेबस है बहुत ही एक्यूरेटली डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप उसी को फॉलो करें, ठीक है। अननेसेसरी ऐसी एस एल लोनी खरीद के ये मत सोचिए कि ये बुक मैंने ले ली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई हायर बुक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा सेलेक्ट मतलब उसमें ये होगा तो हम ये सॉल्व करते हैं अच्छी बुक, वो चीज़ आपको रॉन्ग पे करेगी, उसमें अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करना, उसमें जो आप जो इनपुट दोगे तो उससे बढ़िया आप किसी अच्छी बुक में अगर अपना टाइम दोगे तो आपका लेवल बढ़ सकता है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे गाइस। और फॉरेन ऑथर्स वाली मैंने बात बताई कि वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ आपको जो खाली मैथमेटिक्स की आईआईटी जेई की जो बुक्स है वो आप जो है अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं स्पेशली बिल्कुल 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए बात बता रहा हूँ मैं। सो इम्पॉर्टेंट बुक्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम 10th टू 11th, राइट। अगर कोई स्टूडेंट अगर 10th टू 11th मूव कर रहा है और उसको आज अगर कुछ बुक्स प्रिफर करनी है तो मेरी खुद की रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूँ, ये बुक आप जरूर ले लें, वो खाली 10th टू 11th, आफ्टर पासिंग द 10th ही इज गोइंग इन टू द 11th, तो 11th में जैसे ही वो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होगा या ऑनलाइन कहीं पर रजिस्टर किया होगा, तो वो तो है ही है, ठीक है ना। और इन बुक्स को रखना जरूरी है, इसमें जो सबसे नंबर वन जो बुक है जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो है सेंगेज लर्निंग की, ये बुक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ले लेना चाहिए। सेंगेज लर्निंग की जो बुक है, दिस इज सेंगेज लर्निंग, दिस इज इन 4 volumes, ये 4 volumes में आती है, चारों वॉल्यूम्स खरीद लेना चाहिए आपको, एंड दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड बुक फ्रॉम माई साइड, राइट, एंड दिस इज मोस्ट प्रिफर्ड, राइट। सो सेकेंड वन देखिए,
मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने ये जो सारी बुक्स की नेमिंग लिस्टिंग की है बहुत ही इसको ध्यान में रखते हुए की है कि मिनिमम रहे, बुक्स मिनिमम रहे और आप जो है उसको वर्कआउट कर सकें। सो सेकंड जो है वह है आप लेंगे 10th टू 11th में मैथमेटिक्स, आप लेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th की आप आरडी शर्मा लीजिए बस, है ना भाई आरडी शर्मा। आप सोचेंगे कि ये मैं ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं इसमें तो ठीक है, लेकिन ये जो बुक है वो अपने आप में कंप्लीट है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी यूज़ करोगे ठीक है ना, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा बुक्स रखें, बस इतना ही बहुत होगा, ये खाली 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए होगा ठीक है। अब हम ले लेते हैं सेकेंड हम ले लेते हैं जो 11th टू 12th मूविंग स्टूडेंट है, 11th टू 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए है, तो उसके लिए भी नंबर वन बुक तो यही है सेंगेज लर्निंग इन 4 volumes, ये तो वही लेने वाला है ठीक है। सो 11th टू 12th ये लेगा। अब हम इसकी जो सेकेंड नंबर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और सेकेंड बुक आपको लेनी है इम्पॉर्टेंट ये है जो बच्चा 11th से 12th मूव कर गया और 12th में अब पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है ठीक है, तो उसको ले लेनी चाहिए प्ले विद ग्राफ, ये तो नंबर वन रिकमेंडेड है तो ये तो होनी चाहिए, ये आपके पास में 11th में ही परचेज की हुई होगी तो वो बुक ये तो रखनी है आपको। प्ले विद ग्राफ आप ले लेंगे राइट, प्ले विद ग्राफ ले लेंगे, ये अरिहंत पब्लिकेशन की आती है और बहुत अच्छी बुक है। ग्राफ इज द पिक्चर ऑफ मैथमेटिक्स राइट, पूरी पिक्चर जो है उसकी ग्राफ की उसके सामने आ जाती है राइट। और फिर आप ले लीजिए सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्यूशन, और ये चैप्टर वाइज आते हैं अरिहंत के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉर द आईआईटी जेई, वो सारे आप लेंगे ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हैं कैलकुलस बाय अरिहंत, वो मैं इसलिए प्रिफर कर रहा हूं क्योंकि जो अरिहंत की जो कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, दो बुक्स हैं ये, कैलकुलस में दो बुक्स हैं ठीक है, एक तो इंटीग्रल कैलकुलस है दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये दोनों ही बुक अरिहंत की अच्छी हैं, हालांकि सेंगेज लर्निंग में भी जो है डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, कैलकुलस उसका भी है अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ये हम अलग से रखते हैं दो बुक्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा कैलकुलस वाले पार्ट के लिए, ये बुक भी आपके पास होना चाहिए ठीक है। इसके बाद में आती है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ये प्रिफर्ड में है, अब आप ध्यान रखें कि ये मैं सारी बुक सेलेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मैथ्स बाय TMH टाटा मैग्रो हिल की आती है बुक ये वाली, अब आप उसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे कि हम जो है कौन सी बुक जो है इसमें से रखें अपने लिए ठीक है। और इसके बाद में आता है 12th पास बच्चों के लिए राइट। नेक्स्ट थर्ड हम यूज करना जा रहे हैं वो बच्चे जो कि 12th रिपीटर है फॉर 12th पास स्टूडेंट्स और रिपीटर बैच में जो पढ़ाई करेंगे और ये चाहते हैं कि हम कोई आफ्टर गिविंग द वन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द 12th अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छी बुक लेनी है तो ये बुक लीजिए गाइस। इसमें आप लेंगे नंबर वन पे न्यू पैटर्न आईआईटी जेई एडवांस्ड आईआईटी जेई मैथमेटिक्स बाय एस के गोयल की ये बुक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिस बुक है और जिसने 11th 12th का पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, अब वो चाहता है कि आफ्टर पासिंग द 12th वो कुछ क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करे, तो इसमें बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व कर सकता है, या फिर वो लेगा एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथ्स बाय विकास गुप्ता ठीक है ना, वो ये बुक लेगा विकास गुप्ता
ये बालाजी पब्लिकेशन की आती है, बालाजी पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और उनकी सॉल्यूशन बुक भी अलग से दी हुई है, तो वो आप सॉल्व करेंगे तो आप रियली यू विल एंजॉय द एडवांस लेवल प्रॉब्लम देयर, राइट। और फिर आप ऐसा कीजिए, कॉस्मिक लर्निंग होती है एक बुक, कॉस्मिक लर्निंग की जो बुक है उसने भी ये सेम काम किया हुआ है कि एडवांस लेवल की बुक है, 3 वॉल्यूम्स में आती है ये बुक और ये मेरे पास में है और मैंने देखा इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसने डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपके करने जरूरी हैं, राइट। तो इनको आप लेंगे, चेक करेंगे सारी बुक। मैं वापस बोल रहा हूँ कि लेने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बुक आप ले सकते हैं, ये हाईलाइटेड बुक्स हैं। हाईलाइटेड बुक्स मतलब इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सारी नहीं सेलेक्ट करनी है, ध्यान रखिएगा। और चौथा आप लेंगे प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन बाय अरिहंत, ठीक है। अरिहंत की जो बुक आती है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स दी हुई होती है विद द सॉल्यूशन ये गिवन होता है, इसको आप यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। ये मैंने मैथ्स के लिए फॉर द आईआईटी जेई अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है, इन बुक्स को आप लेंगे, लेकिन फिर ध्यान रखेंगे बहुत कम बुक लेना होता है, क्योंकि आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ाई करोगे वहां से भी आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो हम कंटेंट अगर खाली इकट्ठे करने में लग गए तो हमारी पढ़ाई जो है वो लूज हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा इस कि कंटेंट इकट्ठा करना बहुत आसान बात होती है, ठीक है ना, लेकिन उसको यह है कि उसमें जो चॉइस बना के रखना कि नहीं मुझे ये नहीं लेना है, ठीक है ना, उसमें आप ध्यान रखिए कि आपको खाली जो है मॉड्यूल एक ही मॉड्यूल सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इसका भी ले लिया उसका भी ले लिया कि सब उठा के जो है मॉड्यूल्स ले लिए और बोला इसमें से भी देख लेंगे टफ प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो आपका अननेसेसरी टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप उसमें भी अपना टाइम दोगे, सेकेंड वाले में भी दोगे, थर्ड में दोगे। तो बुक वाइज आपको एक लेनी है, मॉड्यूल वाइज एक लेना है, ठीक है। और अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एक ही ज्वाइन करनी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो कैटेगराइजेशन करेंगे अपना हर चीज में कि ये भी ले लो वो भी ले लो ये भी कर लो और डीपीपी इसका भी लिए ये ले लो, ठीक है ना, तो वहीं आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, आपका जो टाइम है ना वो किल होगा और आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होगा उन सब चीज़ों को देख के ऐसे, ठीक है ना। तो गाइज मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे इस बात को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बुक कौन सी लें, बुक कौन सी लें, बुक क्या करें, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये मतलब इजी नहीं है, ठीक है ना। कई बार स्टूडेंट बहुत अगर कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर आप कोई अच्छी चीज़ आप खाते हो अच्छी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो वो भी डाइजेशन बिगाड़ देती है। तो इसी तरह से कोई ज़रूरी नहीं कि बस सारी बुक अच्छी बुक आपने कलेक्ट कर ली है वो आपके पास में है तो इट मीन्स बहुत आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है ना, उससे उल्टा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत ही मतलब सेंसिबल इश्यू है ये कि बुक सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिसाइजली डिसाइड हो।